अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा सर, एक मैं पैगाम, मैं पाकिस्तानी इस्लामाबाद का शहरी होने के नाते मैं चाह रहा था एक पैगाम आपको दूं जो आप हाई ऑफिसर तक पहुंचा दें कि लोग जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है जो डब्बे और ये फेंक रहे होते हैं गाड़ियों से। मैं कहता हूँ आप हाई ऑफिसर तक या कोई ऐसा कानून लाएं कि उनका भी चालान हो। हाँ मतलब ऐसा करें। अच्छा होते हैं, ठीक है ठीक है, बड़ा दिल दुख रहा था अभी, बाहर लोग फेंक रहे थे तो बड़ा दिल दुखता है। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरिस्ट। और जी मैं गोप्रो ऑन कर रहा था और बिल्कुल यहाँ पे हेलमेट पहन कर नहीं आते हैं लोग, विच इज़ बैड। जी मैं बता दूँ ये मरी एक्सप्रेस से है, स्टार्ट हो रहा है और टोल प्लाजा, यहाँ से आगे हेलमेट्स के बगैर अलाउ नहीं करते मोटे बाइक को। जी मेजार गोप्रो की टेस्टिंग यूँ कि आज मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेट किया है। एक होता है गोल्डन आर्क, अब जो वीडियो से रिलेटेड है उन्हें पता है कि गोल्डन आर्क दिन का कौन सा टाइम होता है जिसे बड़ा अच्छा शूट होता है वो, या होता तो खैर असल में डे का होता है लेकिन शाम को भी कर सकते हैं। जब सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है तो वो इतना अच्छा शूट नहीं होता, और जब सूरज ढल रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है, बल्कि जब सूरज निकल रहा होता है तो वो गोल्डन टाइम होता है और आइडियल टाइम होता है शूट के लिए। और जी बिल्कुल सुपर वाइड पे, अभी अगर मुझसे छेड़ने आ गया हो, सुपर वाइड पे रखा है। और उस दिन मैंने इसके जो फ्रेम्स रखे थे वो रखे थे 25, लेकिन क्योंकि मूवमेंट है तो मूवमेंट पे होने चाहिए फ्रेम्स 50 फ्रेम्स थे, और क्योंकि मैंने स्लो मो तो करना नहीं, वरना उससे भी ज़्यादा फ्रेम्स रखने चाहिए। और स्पीड वगैरह सारा व्यूअर सब कुछ जो स्पीड लिखी है उससे कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है 80 किलोमीटर आप देख रहे हैं, तो 80 से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी केस। और जी अभी तो मौसम कुछ बेहतर है, यानी इस तरह गर्मी नहीं है। और जी आज नाश्ता नहीं मैंने किया, नाश्ता नहीं किया और मूड हो रहा था कि कहीं कोई दाल का प्रोग्राम, दाल ढाबा दाल कोई रखा जाए। और पहाड़ों का व्यू, अच्छा जी ये लिखा हुआ है कि मरी 41 किलोमीटर है। जी व्यूअर्स यहाँ से मरी एग्जैक्टली 41 किलोमीटर है। अब स्ट्रेट पे तो 41 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, लेकिन पहाड़ी इलाके पे 41 काफ़ी हो जाता है।
आगे जितना जाएंगे व्यू खूबसूरत होता जाएगा। यहाँ पे जगह जगह प्रिकॉशनरी बोर्ड्स लगे होते हैं, उनको अगर हम देखते जाएं और फॉलो करते जाएं तो इंशाल्लाह मसले मसाइल से बचा जा सकता है। यानी अपनी तरफ से बंदा पूरी एहतियात कर ले और फिर अल्लाह पे छोड़े। अल्लाह पे तो जाहिर है हर सूरत में छोड़ दें। यानी ये देखें व्यूअर्स, और गाड़ी में से डब्बे वगैरह फेंकने बहुत ही गलत बात है। ये भी हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि बच्चे पीछे बैठे हैं इतने साफ सुथरी। ये देखें ये कि उन्हें चाहिए कि ऐसे गन ना डालें। साथ इनके खवातीन थी, वरना मेरा था मैंने रोक के कहूं कि भाई कौन साफ करेगा, हम सब ने मिलके करना ही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और जी मेरे साथ बाइक पे एरआर और साथ एक छोटी सवारी, खैर हेलमेट नहीं पहना उन्होंने, मैंने कहा था कि हेलमेट पहनाना चाहिए था लेकिन चले। और जी बिल्कुल, आज एक तो था कि थोड़ा जाके दाल ट्राई करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि गाड़ी से जो बाहर कोई चीज़ ड्रॉप करे, कोई भी गार्बेज कोई भी डिस्पोजेबल, उनका वैसे ही चालान होना चाहिए इस चीज़ पे। और क्योंकि फिर इसी तरीके से ये चीज़ कंट्रोल होगी, वरना कहने से नहीं होगी। अगर कोई देख रहे हैं मोटरवे पुलिस के हाई ऑफिसर्स में से तो वो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। अगर नहीं भी देख रहे तो मैं कोशिश करूँगा कि ये बात पहुँचाई जाए। बड़ा अच्छा व्यू है अभी तक मौसम। खैर मैं इंटेंशनली वहीं से हाफ स्लीव्स मैंने नहीं पहने थे ताकि यहाँ आए